हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका एक नई वीडियो के अंदर स्वागत है। इस वीडियो में अपन बात करेंगे रेलवे टेक्नीशियन भर्ती 2024 की और जानेंगे कि आज की डेट तक किस किस जोन से कुल कितने फॉर्म भरे जा चुके हैं, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहे। इसी के साथ ही अगर आप रेलवे की किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए किरण पब्लिकेशन की बहुत ही अच्छी बुक आती है। अगर मैं बात करूँ मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जीके तीनों के अंदर अलग अलग ये बुक अवेलेबल है। इस बुक की खास बात है कि इस बुक में 1996 से लेकर अब तक के रेलवे के जितने भी एग्जामिनेशन के क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन एक अरेंज वे के अंदर मिलेंगे। साथ ही रेलवे की आगे आने वाली जितनी भी भर्ती हैं आरपीएफ, एसआई, आरपीएफ कॉन्स्टेबल, जेई, ग्रुप डी, एनटीपीसी सबके लिए ये बुक इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। ऑर्डर करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां से आप ऑर्डर कर सकते हो। साथ साथ ये फ्लिपकार्ट और अमेजन पर भी आसानी से अवेलेबल है। तो वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि चैनल पे हम रोज पोल ऑर्गेनाइज करवाते रहते हैं, जिसमें इस बार हमने पोल ऑर्गेनाइज करवा रहा है टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट के लिए। टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट के लिए आपने कौन से जोन से अप्लाई किया है इसका आपको रिप्लाई देना है। अगर मैं बात करूं टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट के लिए सबसे ज्यादा बोर्ड किसी जोन को मिल रहे हैं तो वो अपने जोन है जम्मू एंड श्रीनगर और चेन्नई और गुवाहाटी। अगर अब तक आपने वोट नहीं किया तो आप हमारे कम्युनिटी पोस्ट पे जाके वोट कर सकते हैं। तो हमारे जो वीडियो होते हैं वो पूरे एनालिसिस के बाद तैयार किए जाते हैं। तो जल्दी से एक एक जोन के बारे में जानते हैं। अगर मैं बात करूँ बिलासपुर, तो बिलासपुर से अब तक लगने वाले फॉर्मों की संख्या है 67,310, सिकंदराबाद 53,900, मुंबई की बात करें तो मुंबई हाई अप्लाइड रेड जोन बना हुआ है, मुंबई से अब तक लगने वाले फॉर्मों की संख्या 87,800। तो वैसे में बिलासपुर, सिकंदराबाद और मुंबई तीनों ही जोन ऐसे जोन है जहां से काफी अमाउंट के अंदर फॉर्म भरे जा रहे हैं। लेकिन अगर पर सीट कंपटीशन की बात करूंगा तो ये वही जोन है जहां से पर सीट कंपटीशन सबसे कम रहेगा, क्योंकि यहां से नंबर ऑफ वैकेंसी ज्यादा है। वहीं बेंगलोर से अब तक लगने वाले फॉर्मों की संख्या 31,750, कोलकाता 41,650, अहमदाबाद की बात करें तो अहमदाबाद 60 क्रॉस कर चुका है, अहमदाबाद से लगने वाले फॉर्मों की संख्या 66,718। तो वैसे में बिलासपुर, सिकंदराबाद, मुंबई, बेंगलोर और अहमदाबाद पांचों जोन ही ऐसे जोन है जहां से 50 प्लस फॉर्म लग चुके हैं। भोपाल की बात करूं तो भोपाल से अब तक 41,730 फॉर्म लग चुके हैं, वहीं भुवनेश्वर 23,820, अजमेर की बात करें तो अजमेर से अब तक 46,800 फॉर्म अप्लाई हो चुके हैं, वहीं अगर मालदा की बात करूं तो मालदा से 29,658 फॉर्म अप्लाई हो चुके हैं। आपने किस जोन से अप्लाई किया है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। ये ऑप्शन पोल चल रहा है जिसके बारे में आपने पहले जानकारी दे दी है। और इसी के साथ अगले जोन भी देखते हैं। अगर मैं बात करूं प्रयागराज, तो प्रयागराज से अब तक लगने वाले फॉर्मों की संख्या 34,800, चंडीगढ़ 27,600, कंप्लीट रेड जोन है क्योंकि यहां से नंबर ऑफ वैकेंसी काफी कम है। यहां से जो पर सीट कंपटीशन निकल के आ रहा है वो लगभग 200 के समथिंग निकल के आ रहा है, वो अपने आप में काफी ज्यादा है। वहीं अगर बात करूँ चेन्नई 51,300 है, यहाँ से पर सीट कंपटीशन अभी वही 60 से 70 के रेंज में बना हुआ है। तो यहाँ से नहीं से जो फॉर्म बढ़ रहे हैं बाकी जोन की अपेक्षा उतने रेपिडली नहीं बढ़ रहे हैं, थोड़ा कम अमाउंट के अंदर बढ़ रहे हैं। तो चेन्नई अभी तक ठीक ठाक जोन बना हुआ है। कुछ स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे हैं कि चेन्नई रेड जोन बन चुका है, चेन्नई बिल्कुल रेड जोन नहीं बना है। लास्ट में प्रूफ के साथ बात करूंगा कि अगर पर सीट कंपटीशन निकालोगे तो चेन्नई का पर सीट कंपटीशन निकल के आएगा 60 से 70 के बीच में, वो अपने आप में सेफ है। जबकि काफी जोन ऐसे हैं जहां से पर सीट कंपटीशन 200 प्लस पहुंच चुका है। अगर बात करूँ गोरखपुर 35,710, गुवाहाटी 52,700, जम्मू एंड श्रीनगर की बात करूँ तो 30,915। गुवाहाटी रेड जोन नहीं है, गुवाहाटी से भी पर सीट कंपटीशन कम है, इस बात को आप ध्यान में रखें। वीडियो के लास्ट में अपन डिस्कस करेंगे कि किस किस जोन से पर सीट कंपटीशन क्या रहने वाला है, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। मुजफ्फरपुर की बात करें 29,600, पटना 39,700, रांची की बात करें तो रांची 33,600। रांची भी एक अच्छा जोन है, रांची से पर सीट कंपटीशन लगभग 80 के समथिंग चल रहा है, जो अपने आप में एक अच्छे अमाउंट है। तिरुवनंतपुरम की बात करें तो 23,520, सिलीगुड़ी 20,300। तो जैसे अपन ने टेक्नीशियन के लिए जो कंप्लीट पोल किया था उसके अंदर अगर मैं बात करूं मालदा, गुवाहाटी, जम्मू एंड श्रीनगर और तिरुवनंतपुरम, इसमें सबसे ज्यादा वोट मिले थे गुवाहाटी को। मैक्सिमम फॉर्म अप्लाइड जोन की बात करूं तो मैक्सिमम फॉर्म अप्लाइड जोन है मुंबई, अहमदाबाद, सिकंदराबाद, बिलासपुर, गुवाहाटी और कोलकाता। और एसी के साथ कम फॉर्म लगने वाले जोन की बात करूं तो तिरुवनंतपुरम, सिलीगुड़ी, जम्मू एंड श्रीनगर, प्रयागराज, रांची और मालदा। इसी के साथ पर सीट कंपटीशन की बात करें तो सबसे ज्यादा अगर पर सीट कंपटीशन है तो वो जोन है अपने चंडीगढ़ 248, सिलीगुड़ी 244, मुजफ्फरपुर 261, बेंगलोर 223, गोरखपुर 174। वैसे मैं अगर बात करूं तो लगने वाले फॉर्मों की संख्या के अनुसार ये सेफ जोन थे, लेकिन एक तरफ ये देखो कि यहां से नंबर ऑफ वैकेंसीज कम है इसलिए यहां से पर सीट कंपटीशन ज्यादा रह रहा है। तो एक्चुअल में रेड जोन कौन से अपने पटना, चंडीगढ़, सिलीगुड़ी, मुजफ्फरपुर, बेंगलोर और गोरखपुर, ये सारे रेड जोन है। और इसी के साथ अगर चेन्नई की बात करूं तो चेन्नई से पर सीट कंपटीशन है 61, काफी कम है। बिलासपुर की बात करें बिलासपुर से 63, मुंबई 68, तिरुवनंतपुरम 84, गुवाहाटी 84, सिकंदराबाद 70। तो वैसे में चेन्नई, बिलासपुर, मुंबई और सिकंदराबाद मेरी नजर में सबसे बेस्ट जोन है, सबसे कम पर सीट कंपटीशन यहीं से रहने वाला है क्योंकि यहां से नंबर ऑफ वैकेंसीज काफी ज्यादा है। अभी तक आपने फॉर्म अप्लाई नहीं किया तो आप इनमें से किसी भी एक जोन को सिलेक्ट कर सकते हो अपनी पोस्ट और अपने ट्रेड के अकॉर्डिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और ऐसे ही और रेलवे रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।